सर्दी जताने की कौनो जरूरत ना है, तुम्हें जो पता है बस हमको वो बात बताओ। हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, बिना तुम्हारी मदद के हम श्वेता झा के केस में किसी को सजा नहीं दिलवा सकते। अब बात है श्रीमती सांची इंदू सिंह, ये दिमाग इस्तेमाल करना कोई सीखे तो आपसे सीखे। एक बात ध्यान रखना कि इंदू सिंह इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है अब, समझी? तुम यहाँ पर आई, बहुत बहुत धन्यवाद, जाइए यहाँ से अब, पधारिए। देखो इंदू सिंह, हम तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आए हैं। क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, ये ऐसे कैसे हो गया? ससुरे आपके हाथ में आए उसके बाद भी निकल गए। और क्या, अरे आपको पता भी है कितना डेंजर है हमारे लिए और पूरे कैंपस के लिए भी। भाई वो दोनों जो हैं छूटे तो हमारे हाथ से, लेकिन आप लोग इतना परेशान काहे हो रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर वो दोनों ना मिले तो आप लोगों का गला में फंदा पड़ जाएगा। क्या क्या मतलब, क्या कहा आपने? ये कह रहे हैं कि आप इतना परेशान काहे हो रहे हैं, एक ना एक दिन तो हम इंदू सिंह और सांची माथुर को पकड़ ही लेंगे, है कि नहीं? देखिए ऐसा है कि हम सांची माथुर और इंदू सिंह के साथ साथ उनके माँ और पिताजी उन दोनों का फोन भी ट्रेस कर रहे हैं, किसी ना किसी दिन तो सांची घर पे फोन करेगी ही ना। देखिए यादव जी, हम आपको बता रहे हैं। हमें श्वेता झा को इंसाफ दिलाना है और इस वक्त हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, और फिर तुम्हें भी तो अपने आप को बेकस। हाँ माँ। ऐसा जी कहाँ हो तुम बेटा? तुमने पापा को ना पुलिस पकड़ के ले गई है थाने पूछताछ के लाने। क्या पापा को पुलिस ले गई? पुलिस हमारे घर पर आई थी तुम्हें ढूंढते हुए, और वो हमारे पापा को अपने साथ लेकर गई है। तुम्हें ये लगता है कि इस केस में हम तुम्हारे साथ मिल गए? हाँ साची बेटा। हेलो पापा, कैसे हैं आप? अरे बेटा तुम कहाँ हो? ये लोग हमसे तुम्हें और इंदू सिंह के बारे में पूछ रहे हैं। देखो साची माथुर, फोन मत काटना। हाँ मैं बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। देखो तुम लोग मुझे बता दो कि इस वक्त तुम लोग कहाँ हो, नहीं तो तुम ये अच्छी तरीके से जानती हो कि अगर हमने तुम दोनों को पकड़ लिया तो बहुत बुरा होगा तुम लोग के साथ। बताओ कहाँ हो? हम वो इंस्पेक्टर सर, वो हम लोग। अरे पकड़ा गई होगा, पुलिस को यहाँ बुलाना चाहती हो, ये भी तुम्हारी चाल है, षड्यंत्र है तुम्हारा, बुलाओ पुलिस को यहाँ पे तुम। देखो इंदू सिंह, तुम हमें गलत समझ रहे हो, हम यहाँ तुम्हें सच बताने और तुम्हारी मदद मांगने के लिए आए हैं। अरे तो फोन पे काहे बतियाए जा रही हो, हमें सच काहे नहीं बता रही तुम? सच बहुत कड़वा इंदू सिंह, और सच ये है कि इन सब के पीछे तुम्हारे गुरुजी शुक्ला का हाथ। और इतना ही नहीं, तुम्हारे मामा जी सदानंद तिवारी तुम्हारी बर्बादी में उनका साथ दे रहे हैं। अरे पुलिस देख लिया ना, तुम अपने पिताजी को फोन करती, ना फोन टैप होता, ना पुलिस यहां तक पहुंचती। भैया जी, भैया जी लगता है पुलिस आ गया, अब हम लोग को भागना पड़ेगा। तुम समझ कर नहीं रही कि पुलिस यहाँ पर आएगी और वो समझेगी कि तुम हमारे साथ हो, तुम्हें भी अरेस्ट करने की खामखा। अरे लेकिन हम क्यों अरेस्ट होंगे, और वो तुम्हें क्यों अरेस्ट करेगी? तुम भी जाके पुलिस को सब सच बता दो कि ये सब दशरथ शुक्ला ने किया है। देखो बात इतनी सी है कि तुम जिसके लिए यहाँ पर आई वो हमारे पास नहीं है सबूत,